अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, जोली अजीम हाजिर है फिर नई एक वीडियो के साथ। दोस्तों जो मेरा जोली अजीम का हेल्थ सेक्शन है जिसके अंदर मुख्तलिफ किस्म के मैं आपके लिए वेजिटेबल्स, फ्रूट, हर्ब्स, स्पाइस, मुख्तलि खाने पीने वाली चीज़ों के बारे में इंफॉर्मेशन लेकर आता हूँ, आपको यूजेस बताता हूँ, आपको बेनिफिट्स बताता हूँ, आपको साइड इफेक्ट्स बताता हूँ। तो दोस्तों आज मैंने आप लोगों के लिए एक जड़ी बूटी को सिलेक्ट किया है। तो दोस्तों आज मैं आप लोगों को सांप घास के बारे में इंफॉर्मेशन दूंगा। और दोस्तों सांप घास को इंग्लिश के अंदर हॉर्स टेल हर बोला जाता है, इसके अलावा इसे पजल ग्रास भी बोला जाता है, स्नेक ग्रास भी बोला जाता है और दोस्तों इक्विसेटम भी बोला जाता है, यानी इसके बहुत सारे नाम हैं। और दोस्तों अक्सर आपको मैदानों के अंदर ये उगी हुई नजर आती है। और दोस्तों सांप घास जड़ी बूटी को इंग्लिश हर्बल देसी अद्वियात के अंदर बहुत ज्यादा इस्तेमाल किया जाता है। और दोस्तों सांप घास आपको हर्बल ऑनलाइन स्टोर से आसानी के साथ मिल जाएगी। दोस्तों इसके अलावा सांप घास को आप लोकल पंसारी शॉप से भी खरीद सकते हैं। और दोस्तों इसे तिब के अंदर बहुत सारी बीमारियों के अंदर इस्तेमाल करवाया जाता है। और दोस्तों ऐसे अफराद जिनके गुर्दों के अंदर पथरी है, जिन्हें पेशाब रोक रोक कर आता है, और दोस्तों सांप घास यानी हॉर्स टेल जड़ी बूटी की चाय पीने से और दोस्तों का ये मसला हल हो जाएगा, पेशाब खुल कर आएगा। दोस्तों सांप घास के ज्यादातर चाय कहवा बनाकर ही इस्तेमाल किया जाता है, आप इसे पाउडर फॉर्म में भी यूज कर सकते हैं। दोस्तों ये जिस्म में से सोजिश को खत्म करता है, बहुत सारे कैंसर का इलाज इससे किया जाता है। और दोस्तों इसके अलावा स्किन के लिए भी बहुत अच्छा है। और दोस्तों स्किन से दाग धब्बे दूर करता है, कील छाइयां दूर करता है, पिगमेंट्स को कम करता है। और दोस्तों इसके अलावा इसे कॉस्मेटिक इंडस्ट्री के अंदर भी बहुत ज़्यादा इस्तेमाल किया जाता है, स्पेशली इसे शैम्पू बनाने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। सांप घास से हॉर्स टेल से बाल लंबे, चमकदार, खूबसूरत हो जाते हैं। और दोस्तों हॉर्स टेल इस वजह से हर्बल शैम्पू का एक अहम इंग्रेडिएंट है। और दोस्तों ब्लड प्रेशर को कम करता है, हड्डियों को मजबूत बनाता है और दोस्तों बेहतरीन एंटीसेप्टिक एंटीबैक्टीरियल प्रॉपर्टी रखता है, जख्मों को बहुत जल्दी से ठीक कर देता है। इसके अलावा दोस्तों इसके ऑइंटमेंट्स भी बनाए जाते हैं, इसकी मरहमें भी बनाई जाती हैं, कोई कट लग गया है और दोस्तों वहाँ पे इसका पेस्ट आप अप्लाई करें तो दोस्तों जख्म को ये जल्दी ठीक कर देता है। चलें दोस्तों ये तो थे हॉर्स टेल यानी सांप घास के बारे में थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन, यूजेस, बेनिफिट्स। अब बात कर लेते हैं इसके साइड इफेक्ट्स के हवाले से। और दोस्तों इसका जो तरीका है, सवाल है, आप इसे 1/4 teaspoon से 1/2 teaspoon तक 1 cup पानी के अंदर जोश दे के इस्तेमाल कर लीजिएगा। अगर इनटेक लेना चाहते हैं तो आपको ये तमाम बेनिफिट्स इसके मिल जाएंगे। और दोस्तों इसके अलावा इसका पाउडर जो आप वैसलिन के अंदर मिक्स करके जख्मों के ऊपर भी लगा सकते हैं। और दोस्तों ये बेहतरीन एंटीसेप्टिक एंटीबैक्टीरियल प्रॉपर्टी रखता है। और दोस्तों इस जड़ी बूटी को ज़्यादा इस्तेमाल करने से पेशाब की ज्यादती में इजाफा हो जाता है और एक्सट्रीम यूज़ करने से और दोस्तों जिसम में से विटामिन B1 की कमी हो जाती है। तो इस वजह से अगर आप हॉर्स टेल को यानी सांप घास को किसी नुस्खा के हवाले से इस्तेमाल करें तो कोई मुस्तना नुस्खा लीजिएगा या किसी अच्छे हकीम के साथ मशवरा कर लीजिएगा। चलिए दोस्तों ये तो थे हॉर्स टेल हर्ब यानी सांप घास के बारे में थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन, यूजेस, बेनिफिट्स, साइड इफेक्ट्स। मैं उम्मीद करता हूँ आपको हॉर्स टेल हर्ब के बारे में मैंने जो आपको इन्फॉर्मेशन दी है आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर मजीद आपको कोई सवाल है हॉर्स टेल हर्ब के हवाले से तो जस्ट कमेंट के अंदर क्यूरी कीजिएगा, मैं आपको इसका जरूर रिप्लाई दूंगा। दोस्तों इसके अलावा आप किसी और वेजिटेबल, हर्ब, स्पाइस, फ्रूट, किसी खाने पीने वाली चीज़ों के बारे में और दोस्तों किसी केमिकल कंपाउंड के हवाले से या कोई डेली टिप लेना चाहते हैं या कोई किचन टिप लेना चाहते हैं, कोई बीमारी का साइकोलॉजी का मसला है या दोस्तों कुछ भी पूछना चाहते हैं, जस्ट कमेंट के अंदर क्यूरी कीजिएगा, मैं आपका इसका जरूर रिप्लाई दूंगा। मैं आपके लिए अलग से एक वीडियो भी बना दूंगा। और दोस्तों इस वीडियो से पहले मैं आप लोगों के लिए बहुत सारी जो है मिक्स मालूमती वीडियोज ऑलरेडी बनाकर दे चुका हूँ, तो उनके लिए आप मेरे वीडियो सेक्शन में जाके मेरी दूसरी वीडियोज भी दे सकते हैं। चले दोस्तों अब मैं आपको मिलूंगा एक न्यू इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ। मुझे जोली अजीम को इजाजत है, ओके जी, अल्लाह हाफिज़, टेक केयर।